हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित तीन सबसे शक्तिशाली नाग। नंबर वन, शेषनाग। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। उन्होंने अपने नाग परिवार को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर भगवान की भक्ति और तपस्या की थी। तब तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने फन पर सृष्टि का भार उठाने का आशीर्वाद दिया था। नंबर टू, वासुकी नाग। वासुकी नाग भगवान शिव के प्रिय और शेष नाग के भाई है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके देवताओं और असुरों ने मेरु पर्वत को मथा था। नंबर थ्री, कालिया नाग। कालिया नाग ने जब यमुना में अपना स्थान बना लिया था और उनके विष के कारण यमुना नदी विषैली हो गई थी, तब श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में यमुना के भीतर प्रवेश कर न सिर्फ कालिया से युद्ध किया था बल्कि उन्हें वहां से जाने पर विवश कर दिया था। नंबर चार, तक्षक नाग। तक्षक नाग वो ही थे जिन्होंने राजा परीक्षित को मारा था। नंबर पाँच, कर्कोटक नाग। कर्कोटक नाग एक शक्तिशाली नाग थे जो नारद के अभिशाप के कारण एक अग्निकुंड में जल गए थे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।